बस ऑफ फ्राइट्स न्यूज चैनल पर उन्होंने विशेष चर्चा करते हुए बताया कि उज्जैन जिले के अंदर तमाम होटल, लॉज और ढाबा रेस्टोरेंट पर सतत जांच होती रहेगी, जहां पर रूटीन कार्य के दौरान और अगर किसी भी जगह पर अनियमितता, लापरवाही की शिकायत मिलती है तो प्रभावी कार्यवाही भी की जाएगी। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि समय रहते अपराध को रोका जा सके और अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई हो सके। इसलिए अब संपूर्ण उज्जैन जिले के अंदर सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और व्यस्ततम बाजार क्षेत्र में चेकिंग करेंगे, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या, परेशानी ना हो और उनका पुलिस के प्रति विश्वास कायम रहे। आने वाले समय में काफ़ी त्यौहार हैं और लोगों का अब बाहर से आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। होटलों को लेकर किस प्रकार से वार्निंग किया गया और किस प्रकार से आज भी कार्रवाई की गई और आगे भी अब किस प्रकार से कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी? जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड का जो दौर है वो लगभग और इसके कारण काफ़ी श्रद्धालु अभी यहाँ आ रहे हैं और सुरक्षा को देखते हुए हमारी एक ये सामान्य प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम अभी होटल, ढाबा, लॉज इन सब की चेकिंग करते हैं और पिछले दो दिनों में पहले भी इस तरह की एक कार्रवाई की है, आज भी इसी तरह की कार्रवाई की गई है। और चूंकि एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर DM साहब की तरफ से जारी हुआ है जिसमें होटल संचालकों को उनके यहाँ आने वाले जो भी मेहमान हैं उनके जो भी वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।